गर्मी के मौसम में बॉडी की एक्टिविटीज बढ़ जाती है। इससे शरीर में लो ब्लड शुगर लेवल का खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, डायबिटीज के कारण आपके पसीने की ग्रंथि भी डैमेज हो सकती है, क्योंकि मौसम का तापमान अधिक होता है। डायबिटीज होने पर इसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी वजह से डायबिटीज मरीजों को अपने खान पान को ठीक रखने की सलाह दी जाती है। अगर आप भी ब्लड शुगर की समस्या से परेशान हैं, तो गर्मियों में इन चीज़ों का सेवन कर शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुमैया है। मैं डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स हॉस्पिटल रामपुर में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट पोस्ट हूँ। शुगर पेशेंट्स बेसिकली डर रहता है हाइपोग्लाइसीमिया का उनको, तो उन्हें अपना रेगुलर ब्लड शुगर लेवल चेक करा लेना चाहिए। तो उन्हें मतलब ऐसे कमजोरी और सर में दर्द, घबराहट, चक्कर उन्हें लगे तो उन्हें तुरंत कुछ स्वीट्स या कुछ ORS का पानी अपने साथ रखें और उसका यूज़ कर लें, तो उससे रहता है कि उनकी शुगर एकदम डाउन नहीं होती है। खान पान में उनको कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाहिए और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब यूज़ करें मैक्सिमम। आजकल सत्तू भी बहुत अच्छी चीज़ है गर्मियों में, तो सत्तू का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें शुगर पेशेंट्स। और ग्रीन जूसेस में करेले का जूस, जो थोड़ा मुश्किल है ना, बट स्टिल टेस्टी बना के ले सकते हैं। और पालक का जूस है, खाली पेट भी ले सकते हैं और एज अ स्नैक, इवनिंग स्नैक भी ले सकते हैं। तो एज जितने बार वो ले सकते हैं वो ले लें, बेटर रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगी बॉडी और उनके ब्लड शुगर लेवल्स भी बराबर रहेंगे।